श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे आज लेकर आए हैं रीडिंग, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यानी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी बार कमेंट में आया है कि मैम इस पर लेकर आइए, दी इस पर लेकर आइए। तो आज ये उन लोगों के लिए है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो एक अफेयर में ही हो, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट करे वैसे आप लोग लीजिए, देखते हैं करंट सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, श्री राधे प्लीज़ बताइए, जिन जो भी हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल में है अफेयर में और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जो भी हैं, आखिर उनकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या चल रही है। बॉटम टाइप प्लीज डिवाइन बताएं। चलिए, मैंने कार्ड निकाल दी है, आप लोगों की सिचुएशन अगर मैच होती है तो प्लीज़ आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे निकल कर आया है आपके पर्सन आपसे ना इस टाइम कोई ना कोई बात को छुपा रहे होंगे और आपको बता नहीं रहे हैं, ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई बात है, हो सकती है, और ये इंसान बहुत दिनों से बिजी है, वो अपने आप को दिखा रहे हैं, आपकी तरफ टूवर्ड लेने में बहुत स्लो इस इंसान का एक्शन है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ईगो में भी रहते हैं, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है ये इंसान। आपको लेकर ट्रू लव में है, बट नाउ ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर स्टक भी है, बहुत ज़्यादा स्टक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टकनेस है इस इंसान को। जितना ये आपको मानते हैं वाइफ मटेरियल की तरह लेकर चलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ है कि ये इंसान स्टक है। ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ शुरुआत जो है छुपा रहे हैं आपसे, ये अगर आपसे नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में है तो ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपसे रियूनियन दोबारा करना चाहते हैं, आपसे बातचीत दोबारा करना चाहते हैं, बट नाउ ये इंसान आपको ये खुलकर नहीं कह रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक मैजिक की वजह से ये इंसान के पास एक ताकत सी नहीं है कि आपके टूवर्ड वो इंसान कोई एक्शन ले। दो चीज़ों में ये इंसान हमेशा जगल करते हैं, अपने थर्ड पार्टी में और आप में बहुत ज़्यादा जो है जगलिंग करते हैं। यानी कि ये इंसान को ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान किसे लेके चले, किसे लेके छोड़े, मतलब किसके तरफ ही रहे। हालांकि ये इंसान स्टॉक ये इंसान को थर्ड पार्टी इनके नज़र में रखती हैं, यानी कि आपके पर्सन के लाइफ में जो हैं वो इनको नज़र में रखते हैं। डर ये इंसान हमेशा स्टॉक में रहते हैं आपके और आपके पर्सन को लेके, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दे नहीं पाते हैं। इस वजह से ये इंसान जो है बहुत परेशान है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत मानते भी हैं, बट फट्टू हैं एक नंबर की। फिर आ जाते हैं दो चीज़ों में जगलिंग, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मीट किया होगा, इन्होंने आपको इग्नोर भी किया होगा, इस तरह की एनर्जी भी निकल के आ रही है। इस इंसान को ज़्यादातर अगर आप कभी भी समय मांगते होंगे तो इस इंसान के पास समय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड आया है, बहुत बिजी 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 वर्क है, बिजी लाइफ है, इस तरह की एनर्जी में ये इंसान। आप क्या ही बताऊँ, प्लीज़ डिवाइन बताएं आखिर ये किस तरह की अग्रीमेंट है, क्या थर्ड पार्टी के से अग्रीमेंट हो रही है, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या थर्ड पार्टी से कोई अग्रीमेंट है। यस, बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरफ इनके फैमिली में बहुत लड़ाई टॉक्सिसिटी चल रहा है, इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत स्लो है। ये इंसान देखते हैं कि आपको कभी फ्यूचर में कोई देंगे, यस फ्यूचर में ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों की सिचुएशन है, लेकिन
मैं बता दूं आपको कि भी आप जो है ये आप लोगों की सिचुएशन रही है होगी, अगर मैच होती है तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम करंट करंट में देखते हैं ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये तो आपकी सिचुएशन थी जो भी निकल के आई है, अब करंट सिचुएशन देख लेते हैं। करंट में आप लोग के लिए अभी राइट नाउ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन। अरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम, प्लीज डिवाइन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाह, ये इंसान आपको फैमिली रिलेटेड अपना मानते हैं और ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपके कनेक्शन को लेके चलना चाहते हैं। कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऑफ़र, कोई गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा है किसी बात को लेकर, लेकिन फिर भी ओवरली ये इंसान ओवरफ्लो है आपके साथ, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, इसके बारे में ये इंसान बहुत सोच रहे हैं राइट नाउ। उनकी अगर मैं देखूं तो कार्ड के मुताबिक बहुत ही बहुत सुंदर आया हुआ है आपके पर्सन, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपके पर्सन अभी राइट नाउ सोच रहे हैं तो इस एक्शन को लेने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं इस डिवाइन। अगर ये सब चीज़ें अभी राइट नाउ सोच रहे हैं इनके पर्सन तो देरी किस बात की है भाई, ले लेना देरी। इनको किसी न किसी चीज़ का डर है, कोई ना कोई डर सोसाइटी में करो सकता है, फैमिली में करो, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंसान रिग्रेट में भी है, कोई हार्ट पे ब्रेक से भी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, इस वजह से ये इंसान जो है थोड़ी देरी कर रहे हैं। फ्यूचर में ये इंसान कब तक ये आपको एक्शन इनका देखने को मिलेगा इस डिवाइन, कब तक हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा। फ्यूचर में आपको फिफ्थ मंथ हो सकता है, फाइव डे हो सकता है, वन मंथ हो सकता है, वन वीक हो सकता है और सेवन मंथ हो सकता है। इन दिनों के बीच में जो है आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है कि यदि आप लोग कोई डिवोर्सी हैं, मतलब एक पर्सन डिवोर्स केस लड़ रहा है या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिवोर्स फाइनल हो जाएगा और आप लोगों की मैरिज पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है एक्शन की और करंट की, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपसे मैच हुई हो, जरूर मुझे बताइएगा, फिर मैं और भी वीडियो लेकर आती हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं तो वही करूँगी ना, आखिर आप ही की फैमिली से हो ना मेरी जान। राधे राधे।